वेलकम, डाटा इंटरप्रिटेशन के इस सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, डाटा इंटरप्रिटेशन में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने की मंशा होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, टेक्निक्स होने चाहिए। ये भी मैं बार बार कहता रहा हूं, बेसिक कैलकुलेशन, एवरेज, परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन सारे चैप्टर्स का इसमें इस्तेमाल होता है। इसलिए डाटा इंटरप्रिटेशन में अगर कमांड हासिल करना है तो इन चैप्टर्स पर भी कमांड हासिल कर लीजिए। फिर भी जब डाटा इंटरप्रिटेशन पर बात करेंगे तो शुरुआत ग्राउंड लेवल से होगी, जीरो लेवल से, और आपको हर बात जरूर समझ में आएगी। आज जो हमने लिया है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम यानी एक जो वेरिएबल होगा जैसे ईयर, उसमें कई आइटम्स होंगे। यहां थ्री आइटम्स हैं, तो मल्टीपल बार डायग्राम। ये क्या है मल्टीपल बार डायग्राम? इन डिफरेंट ईयर्स में, यानी सिक्स डिफरेंट ईयर्स में लोग कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, यानी थ्री माध्यम की चर्चा है, बस, रेल एंड एयरलाइंस। तो इन बस, रेल एंड एयरलाइंस में किनको किनको प्रेफर करते हैं तुलनात्मक रूप से, इन तीनों में किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रेफर करने वाले लोगों का नंबर मिलियन में दिया हुआ है। ये जो वाई एक्सिस है, ये मिलियंस में है, नंबर ऑफ पर्संस, पीपल को बताता है, और जो एक्स एक्सिस है वो ईयर्स को बताता है। अगर किन्हीं को ये समझने में दिक्कत है तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो इंटरवल है वो 50-50 यूनिट्स का है। यूनिट्स किस में है? मिलियंस में है, यानी 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, ऐसे करके है। जैसे 1999 लें तो ये जो थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बस, रेल और एयरलाइंस, तो हमने देखा है कि ये जो ब्लैंक है, इस ये बस को रिप्रेजेंट करता है, ये जो ब्लैक बार है वो रेल को रिप्रेजेंट करता है, और एयरलाइंस जो डॉटेड रेड से हैं वो एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम ये बार डायग्राम को समझना चाहते हैं, जस्ट पहली बार भी पढ़ रहे हैं, तो 1999 में बस जो कम्युनिकेशन है इसको प्रेफर करने वाले लोगों की संख्या 400 मिलियन है, जबकि इसी 1999 में रेल को प्रेफर करने वाले, पसंद करने वाले, वरीयता देने वाले लोगों की संख्या 350 मिलियन है, और एयरलाइंस को प्रेफर करने वाले, वरीयता देने वाले लोगों की संख्या 300 मिलियन है। ये 99 में है, और ऐसा ही अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में दिया हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये जो बार डायग्राम है इसको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसके आधार पर क्वेश्चंस होंगे, आइए देखिए जो क्वेश्चंस होंगे। लेकिन क्वेश्चंस के पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें आप देखिएगा एवरेज का भी जमकर इस्तेमाल होगा, इसमें एवरेज का खूब इस्तेमाल होगा, आपको बहुत मजा आएगा बनाने में। आप देखेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन वास्तव में बनाया कैसे जाता है, वो एक पेज में नहीं बनाया जाता, अप्रोक्सीमेशन से लेके परसेंटेज तक का खूब इस्तेमाल होगा, और आप देखिए ये काम हम लोग कैसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर 1999 to 2004, हाउ मेनी मिलियन पीपल प्रेफर्ड to travel through rail? क्वेश्चन समझे?
99 से लेकर 2004 तक कुल मिलाकर कितने मिलियन पीपल ने रेल कम्युनिकेशन को पसंद किया, ज्यादा प्रेफर किया? तो देखने पर कैसा लगता है? लगता है कि यहां 99 में देखिए 350 मिलियन है, 300 मिलियन है 2000 में, 2001 में देखिए फिर 300 मिलियन है, 2002 में देखिए 275 मिलियन है, 2003 में देखिए अगेन 300 मिलियन है, और 2004 में देखिए तो ये 275 मिलियन है। सबको लिख के जोड़ लीजिए, ऐसा लगता है, फील होता है। अगर इसको लिख के जोड़े तब तो एग्जाम ही ओवर हो जाएगा। एवरेज का इस्तेमाल कीजिए, एवरेज का। और हाँ, इसके पहले हम लोग ये जो गैप है ना 50, उसको 50-50 नहीं बोलते हैं, गैप बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। क्योंकि 50, 250, 300 ये डिस्टेंसेस निकालने में, लेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इंटरवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वन इंटरवल 50 का, टू इंटरवल बोल दिया 100 का, इंटरवल बोलिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलिएगा एवरेज तो नहीं पूछा। नहीं पूछने से क्या होगा, हमको हमारा जो क्वेश्चन है सम निकालना, तो सम को तुरंत कैसे निकाला जाए। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक वाला बार है, अभी कुछ नहीं दिखना चाहिए सिवाय ब्लैक बार के, ये जो ब्लैक बार है इसके कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो इसको थोड़ा देखिए तो ये किसके आसपास है, किसके आसपास है, तो देख के लगता है कि 300 के आसपास है। हम लोग 300 का एवरेज मान लेते हैं, तो 300 से ऊपर वाला को तोड़ लेते हैं। तोड़ लेते हैं मतलब 50 तोड़ लेते हैं, मत बोलिए, बोलिए वन इंटरवल, वन गैप है ना, वन इंटरवल को तोड़ लेते हैं। तो 300 हो गया, ये भी 300 हो गया, ये भी 300 हो गया, और उसमें से हाफ इसको दे देते हैं। ये भी 300 हो गया, ये 300 पहले से है, और ये भी हाफ इसको दे देते हैं। ईच इज 300, एवरेज इज 300, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इज 6, तो 6 × 300, 1800 बिलियन पीपल। आंसर, बोलिए मजा आया। ये नहीं कि सबका वैल्यू लिखने लगी, आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा कि एवरेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, परसेंटेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा इंटरप्रिटेशन एक अलग ही दुनिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर्ड टू ट्रेवल थ्रू रेल इन द ईयर 2004 में रेल को, यानी रेल से यात्रा को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, यानी कि अगर हम बोले तो 275, दिस इज हाउ मेनी मिलियन लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू ट्रेवल थ्रू रेल इन द ईयर 1999। रेल कम्युनिकेशन के मोड को ही 99 में पसंद करने वाले ये जो 350 मिलियन है, इससे वो कितने कम है। तो देखने पर क्या लगता है कि ये 350 मिलियन, ये 275 मिलियन घटा देते हैं? नहीं, यहां तो आप घटा लेंगे, लेकिन जहां पर टफ होगा, दूसरे तरह का डाटा होगा, वहां प्रॉब्लम होगा। अरे ऐसे पकड़िए, ये और ये कितना कम है, ये 1.5 कम है। 1 माने 50, हाफ माने 25, 1.5 मीन 75 मिलियन। दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे इस डाटा इंटरप्रिटेशन का, द नंबर ऑफ पर्संस हु प्रेफर्ड टू ट्रेवल थ्रू बस इन द ईयर 2001 बस 375 is approximately what percent of people who prefer to travel through bus, rail and airlines together in the same year, together in the same year। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेशन करने से लेके, सम करने से लेकर के
परसेंटेज निकालने तक सब कुछ देखेंगे, सब कुछ शामिल है। यही ऑब्जेक्टिविटी एग्जाम में चाहिए जो अभी बात की जा रही है। अगर आप यूजुअली सोचिए तो किस तरह से आप अटेम्प्ट लेते हैं। 2001 में बस को पसंद करने वाले, बस यात्रा को पसंद करने वाले तो आप बोलेंगे 375 है। उसके बाद उसी 2001 में बस, रेल और एयरलाइंस तीनों को पसंद करने वाले तो बहुत मुश्किल से देखिएगा कितना है, 375 लिखेंगे, कितना है 300 लिखेंगे, ये 175 लिखेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके बोलेंगे 375 इस टोटल का कितना परसेंट है, दिस बाय दिस इनटू 100। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हां ये सही है कि ये जो 375 है वो कितना परसेंट है, तो आप 375 तो लिखेंगे, 375 तो लिखेंगे, सम का सम कैसे करेंगे, एवरेज, एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग ये एक इंटरवल जो 50 है 50 नहीं लेते, इंटरवल लेते हैं। देखिए जरा क्या करें, एवरेज मान लेते हैं 300, तो ये तो 300 है ही, इसको भी 300 रहने देते हैं और तोड़ लेते हैं ऊपर से, तो क्या टूटेगा, एक इंटरवल और हाफ इंटरवल, वन और हाफ डेढ़ टूटेगा, और हाफ यहां डाल देंगे और वन यहां डाल देंगे, तो यहां तक भर गया ना। बताइए, इसको तोड़ लीजिए तो ये भी 300, ये ऑलरेडी 300 और वन एंड हाफ है ना, इसमें डाल देंगे हाफ और फिर वन, तो यहां तक भर गया। काश कि एक इंटरवल और होता तो ये भी 300 हो जाता, तो 300 करके तीनों हो जाता तो 900 हो जाता, पर हो कैसे जाता है तो नहीं ना, एक इंटरवल तो कम है ना, एक इंटरवल मैंने 50 कम है ना, 850। समझ में आया, सम ऐसे करना है 850, और ये नहीं हो सकता कि 375 जो है 850 का कितना परसेंट है ऐसे करके निकाले जैसे आप निकालते आए हैं, ऐसे नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, नहीं निकालना है। 375 850 का कितना परसेंट है ये हमको निकालना है। आप जानते हैं मैं बार बार कहता हूं कि यूनिट प्लस पर 5 हो, यानी 5 अगर एक फैक्टर हो तो डबल करते हैं, 25 फैक्टर हो तो 4 टाइम्स करते हैं, 125 हो तो 8 टाइम्स करते हैं। 850 में 375 कितना परसेंट है जरा डबल कीजिए तो 1700, इसको डबल कीजिए तो 750। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 1700 में 750 कितना परसेंट है। भाई ऐसा है कि 850 हमको पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए 10% 85 होता है 85, अब 20% 30% 30% दिक्कत होगी ना, 1% 8.5 है, 2% 3% कैसे निकालेंगे, 85 का पहाड़ा तो आता नहीं है, लेकिन 17 का पहाड़ा तो आएगा ना, 10% 170 अच्छा नंबर है ना, 1% 17 ठीक ठाक नंबर है ना। कहने का मतलब यह है कि 1700 जो है ये 100% है। अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे 10%, अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे 1%। ये परसेंटेज का बेसिक रूल है जिसका बार बार मैं जिक्र करता रहता हूं। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए ना कि 1700 का सामान है और 750 डिस्काउंट दिया तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो क्या बोलेंगे, अरे 1700 है, 10% देता तब तो 170 होता ना, 1768 680 रुपया देता तो 40% ना होता। जरा बोली 10% है ना 170, तो 1768 680 रुपया देता तो ये 40% होता कि नहीं, होता कि नहीं, होता कि नहीं, 680, अरे वो तो और 70 रुपया दिया है, और 70 रुपया दिया है, 70 को क्या बोलते हैं, 70 को क्या बोलते हैं, सुनिए 1% को 17 बोलते हैं ना, 17 चौके 68, काश की 68 और दे देता, काश की 4% और दे देता, काश ये 44% हो जाता।
70 और 68 में कोई अंतर नहीं है, हमको अप्रोक्सीमेटली निकालना है। हम लोग देख रहे हैं 44% हुआ ये, ये कितना हुआ 44% अप्रोक्स। और अब आप देखेंगे कि 44% के आसपास कौन है, तो 45% है आंसर। आपको अप्रोक्सीमेशन और परसेंटेज दोनों ही इसी तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2003 ऑल द एयरलाइंस रिड्यूस्ड देयर फेयर्स बाय 50% एज ए रिजल्ट ऑफ विच 50% ऑफ रेल ट्रेवलर्स स्विच्ड ओवर टू एयरलाइंस। हाउ मेनी मिलियन पीपल प्रेफर टू ट्रेवल थ्रू एयरलाइंस एट द एंड ऑफ द ईयर 2003। ये एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये 2003 का ईयर है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कारण जो भी रहे हों, एयरलाइंस ने अपना किराया 50% से घटा दिया, तो इसके कारण रेल यात्रा करने वाले लोगों की आधी संख्या 50% शिफ्ट हो जाती है एयरलाइंस की ओर। तो अब बताइए एयरलाइंस से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए 2003 में पहले से ही एयरलाइंस से जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो 175 है। अगर रेल से, रेल को प्रेफर करने वाले अगर 300 में से 50% यानी 150 आकर के एयरलाइंस को प्रेफर करने लगे और उससे यात्रा करने लगे, तो अब नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, 150 और 175 यानी 325। आंसर क्या हुआ? 325 मिलियन पीपल आंसर। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई सेशन का। क्वेश्चन आसान है लेकिन रेशियो में जो कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, वो थोड़ा ढंग से कीजिए, वो इसमें सीखिए। क्वेश्चन सिंपल है, इन द सेम ईयर 2002, इन द सेम ईयर 2002 व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पर्संस हु प्रेफर्ड टू ट्रैवल थ्रू बस टू दोज बाय ट्रेन। 2002 में बस से यात्रा करने वाले, पसंद करने वाले और रेल को पसंद करने वाले दोनों के नंबर का रेशियो बताइए। तो आप क्या देख रहे हैं, ये है 375 और ये कितना है 275। तो सिंपल आप बोलेंगे कि ये 375 है और ये 275 है, यही रेशियो है। उसके बाद 5 से आप कैंसिल करेंगे? नो, यही तो सीखना है। जब भी 5 एक फैक्टर होता है डबल करते हैं, 2 to 5 यानी 25 फैक्टर होता है 4 times करते हैं। आप जरा सोचिए, अगर 3 to 5 होगा तो हम लोग 8 times करेंगे। आप जरा देखिए, नहीं कुछ तो थोड़ा कीजिए भाई, 5 तो है ना, तो डबल किया तो ये कितना हो गया 750 और ये कितना हो गया 550। इसको काट दीजिए, फिर क्या, फिर 5 है ना, फिर डबल करते हैं, 75 का डबल 150, 55 का डबल 110, फिनिश्ड। अरे कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, 15 is to 11, 1 is the answer। तो आपने देखा एक आसान सीधा साधा डीआई था, आपकी दिलचस्पी डाटा इंटरप्रिटेशन में पैदा हुई होगी, कुछ कैलकुलेशंस आपने सीखे। अगले डीआई सेशन में फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ सामने आएंगे। आपको मजा आया ना?